फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। आई होप बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ मैं। और बात की जाए अगर हमारे म्यूज़िक वीडियो की, तो टाइटल है साजिशें। एंड ऑब्वियसली बहुत एक प्यारा मुझे लगता है कि इसका थीम है कि है कैसी ये साजिशें, मतलब मेरे दर्द भी तुम हो और उस दर्द की दवा भी तुम ही हो। यू नो, ये प्यार को लेके सिग्निफाई किया। और स्टोरी बहुत प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लास्ट का पार्ट स्पेशली बहुत प्यारा लगता है मुझे। एंड यस, इट वाज अ ऑनर वर्किंग विद हर। शी इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड अ नाइस ह्यूमन बीइंग। सो यस, आई एंजॉयड इट। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था ये शूट पूरा, बिकॉज ये हम बहुत पहले से प्लान कर रहे थे और ये फाइनली जाके अब हुआ। ये पता नहीं कितने महीनों से हमारा चल रहा था कि करना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही थी। बट देन फाइनली जब हमने शूट किया, वो भी बहुत आसान नहीं था। बिल्कुल आसान। वो हमें 24 आवर्स पूरा शूट करना पड़ा था, बिकॉज बारिश हो रही थी एंड रुक ही नहीं रही थी। तो हमारा ऐसा प्लान था नहीं कि हम बारिश में शूट करें पूरा गाना, पर आसार ही ऐसे हो गए कि हमें बारिश इम्प्रोवाइज कर लिया हमने। हाँ। समय कि तो, चलो बारिश में ही सारा गाना हो गया। वहाँ अल्लाह, अचानक से कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ ट्रक फंस गया पानी में, उसको कोई निकाल रहा है। तो बड़ी मुश्किलों के साथ पर फाइनली हुआ पूरा शूट। एंड ऑफ कोर्स इनके साथ बहुत मज़ा आया मुझे। बहुत जिस मैंने मतलब क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो मतलब आई नो कि सुमेध कौन है पहले से, एंड आई नो दैट ऑलरेडी न्यू कि ये बहुत अच्छा एक्टर है। पर वहाँ पे जो एक सेकंड में मेरे को एक सीन में देखने को मिला, मैं ऐसे थी, एंड ही सॉ माय फेस, मैं ऐसे थी एक सीन के लिए, आई गॉट स्कैर्ड। तो मैं ऐसे कट के बाद आई कि क्या इट्स ऑल ओके, ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टर है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ना। हाँ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा। नहीं एक्चुअली बहुत लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ें फाइनल हुई। ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि डेट्स मेरे थोड़े से मतलब उसका प्रॉब्लम चल रहा था। बट यू नो, दे वर रियली कीन ऑन वर्किंग, यू नो, हैविंग मी इन दिस वीडियो। एंड वो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ यार, मेरे साथ करना चाहते हैं, वो डेट्स अरेंज करना चाहते हैं। तो मैं भी अपने साइड से 100% करने के लिए रेडी था। और मज़ा तो बहुत आया। ऑलमोस्ट 24 आवर्स वी वर लाइक अवेक एंड रनिंग, एंड एक टाइम के बाद पहचान नहीं पा रहे थे कौन क्या है। कौन कैसा लग रहा है। बहुत हेक्टिक था और बहुत बारिश थी, बट आई थिंक सो नेचर बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। और मुझे पहले से मतलब इतना पता नहीं था, बट व्हेन वी मेट एंड वी रिहर्स्ड, तब मुझे इनके डांसिंग के बारे में पता चला कि कितने अच्छे डांसर ये हैं। एंड मैंने उनको पहले ही आके, तो यार पहले ही मिलते ही मैंने बोल दिया था जो हमारी रिहर्सल थी। इतना क्या सोच रही है। मैं जब मिला तो मेरे लिए आसान नहीं है रोमांटिक। तो मैं पहले क्या करता था, मैं पहले कोशिश करता था कि नहीं 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 ऐसा, कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छे से कॉन्फिडेंटली सही से मिले। अब मुझे लगता है कि एक्सेप्ट कर लो जो सच है। मैंने उसको सीधे जाके बोला, सुन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ऐसे रोमांटिक सीन्स करना, हालांकि मैं बुरा नहीं हूँ इस मामले में, बट मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको पहले ही बता दिया। तो फिर हम ऑनेस्टली धीरे धीरे चलते चलते हम कुछ अचीव कर पाए। और ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं इस चीज़ के मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल बात है जो श्री कृष्ण ने कही है, तू कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। कोशिश हम अपने साइड से 100% वो कर सकते हैं जो अपने हाथ में, और उसी पे ध्यान देता हूँ मैं। अगर लोगों को अच्छा लगता है तो आई एम रियली थैंकफुल, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं और कोशिश करूँगा, कुछ और अच्छा करूँगा। एक तो वो मीम आया था, उस मीम के सहारे हमने बहुत मुश्किल दौर बिताए। मुझे भी बहुत अच्छा लग गया वो मीम। हम लोग ऐसे शॉर्ट से पहले हम लोग बैठे हुए थे, हमको कोई भी दिख रहा है ना सामने, तो हम लोग ऐसे अपने में बोल रहे थे जल्दी वहाँ से हटो, जल्दी वहाँ से हटो, जल्दी वहाँ से हटो। और मतलब हमने मस्ती बहुत की, क्योंकि जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिचुएशन और आपका टारगेट अचीव करना है, टाइम और एनर्जी बहुत आपकी लिमिटेड होती है, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि पॉजिटिविटी के साथ आप काम करो। मुझे लगता है कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की भाई करने की। एक बहुत, क्योंकि बारिश सडनली इतनी आ गई और रुकी नहीं रही है, मतलब सभी नहीं बोल सकते हो रुक जाओ शॉर्ट चल रहा है। तो एक जगह थी पानी में जहाँ पे हम रोमांटिक डांस कर रहे थे, और ना वो पहले ऐसे थी, एक ब्रिज था छोटा सा और उसके पीछे एक वुडन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था,
और हम उस पे खड़े होके डांस कर रहे थे। शॉट शुरू हुआ था वो ऐसा था, थोड़ी देर बाद वो ऐसा हो गया और पानी का लेवल ना बढ़ रहा था। किसी ने वहां से बोला कि जल्दी ये शॉट खत्म करो नहीं तो जाओ। वहाँ पे कैसे एंड लकीली वो मुझे याद है, हम लोग जो वहाँ पे शूट कर रहे थे उसके बाद हम लोग जस्ट ऊपर आ रहे थे, तो वहाँ पे कैसा था ना, वहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी वहाँ नीचे जाने के लिए, पूरा मिट्टी थी जो हम लोग ऐसे ही, मेरा लंबा सा ऐसे ट्रेल वाला ड्रेस था, मैंने ऐसा लपेट के कुछ तो ऐसे साइड में डाल के, एंड लकीली मैंने हील्स पहनी हुई थी तो मैं मिट्टी में हील जैसे मतलब एक होता है ना, मतलब सुंबुल से मेरे को काफी एडवेंचरस वाली बात है कि लड़की बहुत एडवेंचरस है, मतलब मानना पड़ेगा। एक होता है ना कि कोई ऐसा होता है कि मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, वाइट गाउन पहना है मैडम ने, बारिश हो रही है और हमें नीचे वहाँ तक पहुँचने के लिए कीचड़ से जाना है। अब मैंने तो फॉर्मल शूज़ पहने थे, उसमें कीचड़ में बहुत मुश्किल हो जाती है। ये मैडम लेके गई मुझे, कैसे, वो हील्स है नीचे से वो बाहर पॉइंटेड निकलता है, उसको कीचड़ में फंसा फंसा के उतरी है और वहाँ से उठा उठा के हमें ऊपर ले गई। मुझे तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है जैसे वो वेब सीरीज है कि आगे और मैं शूट करने वाली हूँ, वो एक प्रोमो मैंने शूट किया था एंड वो उतना ही था, एंड वो ऑडियो सीरीज है जिसके लिए वो एक प्रोमो बनाया जाता है जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया था, मैंने पहले भी बोला, एंड उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि हमने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल। मैं शायद खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहूँगा, मुझे लगता है मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, मतलब बिग बॉस में जा सकता हूँ मैं, पर मुझे निकाल देंगे जल्दी। क्या क्यों आया इसको भेजो? मैं ये कहूँगी कि हमारा गाना आ रहा है साजिशें बहुत जल्द, एंड मैं ये चाहेंगे कि हमने बहुत मेहनत की है, खून बहाया है मैंने लिटरली तो बस यही कि बहुत सारा प्यार दें, एंड इंशाल्लाह आपको गाना बहुत अच्छा लगेगा। और यस सभी लोग जो देख रहे हैं, एंड मतलब आप सुम्बुल के फ़ैन हो, सुमित के फ़ैन हो, जिसके भी आप फ़ैन हो, हमारे लिए अब दर्शक और हम कोशिश करते हैं अपने साइड से बेस्ट देने की। उम्मीद है कि आपको इसमें हमारा काम अच्छा लगे, ये गाना आपको अच्छा लगे। ये स्पेशल मेरे लिए इसलिए भी है कि इनाम जो सिंगर है वो अशोका में मैंने उसे बहुत मारा है जब मैं सुशीम बना था, तो यू नो वो आज के डेट में सिंगर बन के ही सिंगिंग दिस सॉन्ग, एंड इट फील्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ हिज म्यूजिक वीडियो एज वेल, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू गाइस हैव शोवर्ड, एंड हम कोशिश करते रहेंगे ऐसे। थैंक यू।